फ्रेंड्स, मैसेल्फ अर्ना, योर साइंस टीचर, एट्थ स्टैंडर्ड। साइंस में हमारा जो है वो अपना जो है वो 10 लेसन का थर्ड पार्ट जो है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडवांस। ओके, नाउ अब तक हम लोगों ने अपने टीनेजर के बारे में काफ़ी चीज़ें जो होते हैं वो समझ ली थी, और शायद हम लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि किस तरीके से टीनेजर में जो होते हैं फिजिकल चेंजेस होते हैं, किस तरीके से हमारे जो होते हैं वो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, प्लस इसके अलावा जो होते हैं उस टाइम पर हमारे बहुत सारे जो होते हैं वो मेंटली चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि पहले तो आता है कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि तीन जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो उस टाइम पर एक साथ हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी हमारी जो क्वेरीज हों, जो हो सकता है हमारी प्राइवेट क्वेरीज भी हो सकती है वो, तो उसमें आप मिसगाइड ना हो, या ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कॉमन चेंजेस हैं, ये सबके होते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को हमारे जो होता है वो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। प्लस अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप अपने पेरेंट्स से सबसे पहले कंसर्न कीजिए, उसके बाद में जो भी रिलायबल पर्सन हो आपके कॉन्टैक्ट में और आपको ऐसा लगता हो कि वो आपको सही सलाह देगा तो भी उसे आप डिस्कस कीजिए। अदरवाइज पेरेंट्स मेरे ख्याल से हर चीज़ का सॉल्यूशन बहुत इजी वे में निकाल देते हैं। ठीक, तो जब भी आपको इस टीनेजर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या कोई चेंजेस समझ में नहीं आ रही है, मेंटली जो होता है वो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि बातों से ही आपके पेरेंट्स जान पाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे इजी वे में। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि बायोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें हमको बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही होगी, तो हमको कौन कौन से जो पॉइंट हैं या फैक्टर्स हैं जो होते हैं वो टीनेजर पे इफेक्ट करते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला जो खाना है वो हमको लेना चाहिए, जिसे आप कह सकते हो बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि ऐसा खाना जिसमें आपके पाँचों तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ये पांचों एक गुड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ऐसा ही खाना हमको खाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं खाओगे तो हो सकता है कि किसी ना किसी चीज़ों की जो होती है वो डेफिशिएंसी होने लगे, या हो सकता है आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप ना हो पाए, या इसका इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि आपने देखा मैंने बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो होते हैं वो वन टाइम में 300 ग्राम से ज़्यादा खाना नहीं खा सकते हैं। एक जो मेच्योर होने के बाद में जो एडल्ट पर्सन होता है वो मैक्सिमम जो होता है वो 300 ग्राम ही खाना खा सकता है। ठीक है, तो अगर आप जाहिर सी बात है जब हमारे स्टमक की स्ट्रेंथ इतनी ही है और उसमें आप अगर मान लीजिए अंकल चिप्स, कुरकुरे या कोई ऐसी चीज़ें जिससे सिर्फ पेट भरा जा सके लेकिन आपको मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो उससे आपका ग्रोथ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप जो होता है न्यूट्रिशन वाला जो फूड है, यानी कि एक बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट हम उसी को बोलेंगे जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट की एक निश्चित क्वांटिटी और अच्छी सफिशेंट मात्रा में हो, उसी को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। इस टाइम पर मतलब कई जगह पे जो होता है वो ज़्यादा आप ये सोचो कि फैटी खाना खाने से जो होते हैं आपको बैलेंस डाइट मिलेगी, तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी। आपको कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है और प्रोटीन की भी ज़रूरत है, तो वो भी आपके खाने में होना चाहिए। तो आप एक पूरा अपना चार्ट बनाइए, या किसी अगर आपसे नहीं बना मिले तो किसी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट के पास में जाकर के आप अपना चार्ट जो है डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। उसमें आपको वो बता सकते हैं कि आपको कितने दिन जो होते हैं वो प्रोटीन लेनी है, विटामिन लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है और कौन से टाइम पर लेना है। देखिए बैलेंस डाइट में इतना भी ध्यान रखिएगा कि खाना जो होता है वो प्रॉपर जो होता है वो टाइम पर लेना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हमको जो होता है अपनी ब्रेकफास्ट जो होता है वो स्किप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में जो भी हमारी जो एक्टिविटीज़, जैसे मान लीजिए आपने सो रहे हो तो उस टाइम पर भी बाकी की औरत तो काम कर ही रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी जो होती है वो सारी जो होती है कंज्यूम हो गई होगी। अब सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब उठते हो, और जाहिर सी बात है कि अगर आप स्किप कर जाओगे तो आप दोपहर तक आते आते अपना बहुत ही लेजीनेस और जो होता है डर हो जाओगे, और हो सकता है कि धीरे धीरे वीकनेस भी आ जाए। तो आपको पहले ही जैसे हमारा रात में जो ऑर्गन्स अंदर के जैसे
रेस्पिरेशन भी कर रहे थे आप, पूरा डाइजेशन भी हो ही रहा था, है कि नहीं? तो उन सब में जो एनर्जी लग गई है उसका रिकवरी आप ब्रेकफास्ट के थ्रू कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट के थ्रू इस तरीके से डाइट लीजिए कि आपको आधे दिन के लिए एनर्जी भी मिल जाए। तो हल्का सा ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है, प्लस दोपहर का प्रॉपर तरीके से फुल डाइट में लंच करना चाहिए। और फिर उसके बाद में हम अगर हमें ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, तो हम अपना स्नैक्स वगैरह जो होते हैं वो इवनिंग टाइम में ले सकते हैं। और रात को हमको लाइट खाना, शायद ऐसा कहा भी जाता है कि दोपहर का खाना राजाओं जैसा और रात का खाना जो होता है वो बेगर जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में जो होता है वो हम चाहते हैं कि हम लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे होते हैं, दौड़ भाग नहीं कर रहे होते हैं, तो इंटरनली जो ऑर्गन्स होते हैं वही सिर्फ वर्क कर रहे होते हैं। तो उनके लिए आप लाइट जो होता है वो ईजी टू डाइजेस्ट वाला खाना खाएंगे, ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा। ठीक, तो इस एज में बच्चों को बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा मेन आता है हमारा टॉपिक आता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मीन्स होता है, अब जाहिर सी बात है मैंने आपको बोला था कि उस टाइम पे हमारी ओवरीज होती है वो मैच्योरिटी स्टेज में आने लगती है, प्लस इसके अलावा जो टेस्टीज वगैरह होते हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं, और उसमें एस्ट्रोजन और प्लस इसके बाद जो होते हैं वो एस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन जो है वो सेक्रेट होने लगता है, और इसके अलावा जो है मेस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो भी स्टार्ट हो चुकी होती है। अगर उस टाइम पे आप पर्सनल हाइजीन का जो है वो नहीं रखोगे ध्यान, तो हो सकता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको उस टाइम पर हमको जाहिर सी बात है कि अपनी पर्सनल हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, हो सकता है स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कई लोगों को, कई लोगों को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर जैसे क्रॉनिकल कुछ बीमारी हो गई है तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह रही है, तो हो सकता है वो आगे जाकर के फ्यूचर में एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उस वो ना हो तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना जो है पर्सनल हाइजीन का स्पेशली ध्यान रखें। और अगर लेडीज में भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, खासतौर पर अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को जो होता है वो अपना पर्सनल हाइजीन के लिए अपनी माँ से, अपनी मदर से, अपनी बड़ी बहनों से कंसर्न जरूर करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब दूसरा आता है फिजिकल एक्सरसाइज। जिस तरीके से आप प्रॉपर डाइट खा रहे हैं, अपनी हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, उसी तरीके से आपको जो होता है वो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज जो होता है, जाहिर सी बात है कि हमको बॉडी को शेप में देना होता है, ऐसा नहीं है कि बेढंग से बन जाए। तो मतलब अगर पता चला कि हमको उस टाइम पर भूख ज़्यादा लग रही है और हम फैटी खाना खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद में हमारा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाए। तो उसको बैलेंस करने के लिए एवरी डे एक सर्टेन टाइम मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो वॉकिंग इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज। तो कम से कम हम जो होते हैं वो एक निश्चित टाइम के लिए वॉकिंग कर सकते हैं, या मान लीजिए योगा कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज चाहे जो भी आपको पसंद आए, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे एटलीस्ट, तो आप एक काम कर सकते हैं घर में जो होते हैं एक बॉल लीजिए, और जो भी आपके पास में ओपन स्पेस हो या जो भी थोड़ा सा एम्प्टी प्लेस हो वहाँ पर बॉल से जो है वो खेल खेलेंगे। और फिर भी नहीं कर पा रहे हैं खासतौर पर गर्ल्स, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है गुड एक्सरसाइज के लिए कि म्यूज़िक, अपना फेवरेट कोई म्यूज़िक लगाइए और अपना 10 से 15 मिनट उस पर नॉन स्टॉप डांस कर लीजिए। ये भी एक वन टाइप ऑफ गुड एक्सरसाइज आप कह सकते हैं, जिसमें हमारी जो होती है वो सारे ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरीके से जो होते हैं वो फिजिकली वर्क कर रहे होते हैं। तो मतलब टीनएजर्स में आप कह सकते हो कि फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो मस्ट है, ऐसा नहीं है सिर्फ खाना खाया और रेस्ट करते रहे, उससे आपका शरीर हो सकता है पूरे टाइम के टाइम पे लेजी प्लस जो होता है वो मतलब शेप में ना हो, थोड़ा सा अजीब सा बेढंग सा हो जाए। ठीक है, नहीं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल जो होता है एक्सरसाइज के लिए भी थोड़ा सा टाइम दें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, अभी मैंने आपको बताया था टीनेजर। टीनेजर मतलब होता है ऐसी एज जिसमें हमारे लिए हुए फैसले हो सकता है गलत। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि 11 जैसे मान लीजिए 10th 12th या 11th के जो बच्चे होते हैं खासतौर पर बाहर की चीज़ों को लेकर के बहुत, या वेस्टर्न कल्चर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, तो कभी कभी हम सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ों के लॉन्ग टाइम इफेक्ट नहीं जान पाते हैं और हम सिर्फ उनको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बॉयज़ होते हैं, तो बॉयज़ जो होते हैं वेस्टर्न कल्चर में किसी को मान लीजिए सिगरेट पीते हुए देखा स्टाइलिश तरीके से, तो कभी ना कभी मन में आ जाएगा कि काश ए
लगा के देखें या देखें वो कैसा लग रहा है या कैसा फ्लेवर आता है, क्या आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं वो हैबिट पड़ जाते हैं बच्चों को, फिर वो बाद में छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको अगर ऐसा है तो और आप अपने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। दूसरी बात, आपके जो संगी साथी हैं वो भी आपकी सेम एज ग्रुप के ही हैं, तो उनके अंदर में कोई भी उनका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो हो सकता है कि उनके दी हुई सलाह आपकी ठीक ना हो। प्लस मान लीजिए किसी आउटसाइडर से आप पूछते हो तो अगर वो वेलविशर है तो ठीक है, अगर वेलविशर नहीं है तो आपको हो सकता है वो कोई परफेक्ट जो आपके लिए सबसे सुटेबल एडवाइस हो वो ना दे पाए। तो इस टाइम पे बच्चे लोग क्या होते हैं, वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने के चक्कर में कभी कभी गलत हैबिट्स उनके अंदर पड़ जाते हैं जो लॉन्ग टाइम में उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक या हार्मफुल हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उन सब हैबिट्स को जो होता है वो अवॉइड करना है, छोड़ना है उनको, उस तरफ आपको नो यानी कि क्रॉस मार देने का है। तो लेकिन नो डाउट क्रॉस करने के टाइम पे हो सकता है आपको पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि नहीं जी नहीं मुझे ये नहीं करना है कि नहीं है, मुझे उस तरफ ध्यान नहीं देना है। तो हो सकता है उस टाइम पे आपको थोड़ा क्या नाम है किसी सहारे की जरूरत हो तो आप अपने पेरेंट्स से जो होता है वो कंसर्न कर सकते हैं। प्लस टीनेजर जो होता है खासतौर पर ड्रग उसको टेस्ट करना, उसको स्वाद लेना, उस तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो भाई ये बहुत ही बैड हैबिट है, अगर कोई भी ऐप लग जाएगा इस टाइम पे तो वो पूरी ज़िंदगी जल्दी से छूटेगा नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने किसी भी शौक को हैबिट ऐसा मत बनाइएगा जो लॉन्ग टाइम में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पूरे सब लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए नुकसानदायक हो, उसको पहले से ही वहाँ पर क्रॉस मार दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगी कि अगर हम देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला जाता है कि जो मैरिज की जो एज होती है वो लगभग जैसे बॉयज़ है तो बॉयज़ के लिए जो होता है 21 ईयर्स मानी जाती है और जो 18 ईयर्स है वो गर्ल्स के लिए मानी जाती है। वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि उनका मानना है कि तब तक बच्चे का जो बायोलॉजिकल फिजिकली और मेंटली जो डेवलपमेंट्स है वो पूरी तरीके से हो चुका होता है। तो यही एक्चुअल में इसके बाद ही अब जाहिर सी बात है कि टीनेजर के बाद में जब आप यंग में आते हो तो उस टाइम तक तो आपने भी समझ आ चुकी होती है कि आपको अपने फ्यूचर प्लान प्लस क्या आपके टारगेट हैं जिंदगी को लेकर के वो सब बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, अपनी एम्स आप लोगों को पता होते हैं। लेकिन टीनेजर में ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो धुंधली होती हैं, थोड़ा सा मतलब आपको क्लियर नहीं पता होता कि मुझे एक्चुअली बनना क्या है, करना क्या है। तो तब तक जो है वो आप अपने जो भी आपको कन्फ्यूज़न है डिस्कस कीजिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ बहुत सारी जो होती हैं इससे रिलेटेड जो होती हैं मिथ्य बातें भी हैं जिनसे हमको जो होता है बच्चों को पहले से ही बता देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि ऐसा बोला जाता है कि बॉयज को नहीं देखना चाहिए, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो उस अफवाहों से या अपने आप को दूर रखना है या जो भी है बॉयज़ होते हैं वो क्रेजी बहुत होते हैं तो उस टाइम पर थोड़ी अपनी फालतू की बातों से अपना दिमाग को खुद को कंट्रोल करना है प्लस मिथ्य बातों पर ध्यान नहीं देना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर्स है इसका थर्ड पार्ट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने जो होता है वो अब तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी अपने टीनेजर्स के बारे में जो कि 11 से लेकर के जो डेवलपमेंट है 11 से लेकर के 18-19 तक के बीच का। तो आई होप सो कि अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर जो होता है वो आपको डाइट लेना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है इस फेज में, और इसके अलावा जो होता है वो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए टाइम देना है। प्लस बाहर की जो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट ना करके अपने रिलीजन को अडॉप्ट कीजिए, प्लस अपने जो पेरेंट्स के जो संस्कार हैं उन्हीं को ही उनके कल्चर्स को उनको अडॉप्ट कीजिए, सीखिए, अच्छा लगेगा और वही आप शायद अपने नेक्स्ट वीडियो दे पाएंगे। इसके अलावा इस एज में जो होते हैं जो हमारे तीनों डेवलपमेंट हो रहे होते हैं उनको प्रॉपर वे में मेंटेन कीजिए। यही इस चैप्टर का मोटिव है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। नोट डाउन कर लीजिए जिसको भी आज के टॉपिक्स होते हैं नोट डाउन कर लेंगे।